सर मैं इसकी तरफ दो ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अकेडमी देखो आपका क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हर तीतर के आगे तीतर और हर तीतर के दो पीछे दो तीतर। अब अगर आप स्ट्रेट लाइन में उनको खड़ा करेंगे तो केवल बीच वाला तीतर होगा जिसके आगे भी और पीछे दो है। बाकी सपोज करो सेकंड पोजीशन पे जो खड़ा है तो उसके तो आगे एक है और पीछे तीन है, तो उसके लिए वो अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वो सर्कुलर मोशन में घूमेंगे तो किसी भी एक को उठा लो, उसके आगे भी दो हैं और उसके पीछे भी दो हैं, तो तीन होंगे। लेकिन क्वेश्चन के आगे ईच वर्ड भी जोड़ो कि हर तीतर के आगे तीतर, हर तीतर के दो तीतर, बताओ कितने तीतर। मैं तीन, तो काटू पे देखा, ठीक है। काटू ने देखा, चलिए, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज द टॉपिक फॉर टुडे। और बात कहें तो आपके टॉपिक कोर्स में तो अकेला यही टॉपिक है, मतलब आपका कोर्स इसके साथ ही शुरू होगा और इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। जो हमने अब तक किया वो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज इंट्रोडक्टरी पार्ट था, बट आपके जो कोर्स में केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। हमने अभी तक क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया है, डेटा कलेक्ट करके उसको प्रेजेंटेशन करने और निकल चुके हैं। अब प्रेजेंटेशन जब हमने किया तो हमने पाया कि पहले टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि टेबल बनती है उसके बाद ही ग्राफ बन सकता है। रो डेटा से टेबल बनाना सीखा, जब अपन टेबल बनाते हैं तो वो भी दो तरीके की बनती है, ग्रुप और अनग्रुप, तो हमने दोनों तरीके की बनानी सीखी। ठीक है, जनरली पहले अपन अनग्रुप्ड बनाते हैं और अनग्रुप्ड से ही फिर ग्रुप्ड बनाते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब हम इस स्टेज पे आ गए कि हमारे पास एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ग्रुपिंग क्यूई टेबल है हमारे पास, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। तो आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब ग्राफ्स बनाने वाले हैं, उसी प्रेजेंटेड डेटा को मोर अट्रैक्टिव वे में शो करने के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की एक खास बात ये होती है कि इसकी तरफ जो है रीडर का ध्यान जल्दी डाइवर्ट होता है या अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। इसकी तरफ अभी एक टेबल बना के मैं दूं, मैंने सपोज करो एक बैट्समैन के ओवर द इयर्स कितने उसने रन बनाए, कौन से साल में कितने बनाए, कौन से, ऐसे मैंने एक टेबल बना के दे दी और एक मैंने चार्ट बना के दे दिया, तो आपका ध्यान जल्दी चार्ट अट्रैक्ट करेगा बजाय के टेबल, और चार्ट से आप जल्दी समझ जाओगे। जैसे कि तो क्रिकेट मैच के बीच में कई बार, जैसे मान लो 20 से 25 ओवर हो गए तो बीच में अब तक क्या हुआ उसकी समरी बताते हैं, ऐसे लाइन लिखी रहती है, स्टैट्स लिखते हैं भाई, एक ओवर शुरू के 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ऊपर थी, फिर अगले 6 ओवर में इंडिया ऑस्ट्रेलिया नीचे आ गए, ऑस्ट्रेलिया ऊपर हुआ, तो वो केवल एक वो लाइंस देखकर आप समझ जाते हो कि अब तक मैच में क्या घटित हुआ, उसमें एक ओवर में कितने रन थे, दूसरे में कितने थे, वो सब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये समराइज्ड फॉर्म है प्रेजेंटेड डेटा को शो करने की, ये जल्दी इंफॉर्मेशन देता है बजाय के टेबुलर फॉर्म से, ठीक है। बट जब प्रोसेस करने की बात आती है तो फिर इसके फीडबैक्स हैं, टेबल जितना एक्यूरेट डेटा देता है उतना एक्यूरेट डेटा ये वो जो वो लाइंस बार ऐसे लाइंस बनी हुई है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना हुआ है उसमें एग्जैक्टली इस जगह पे कितने रन हैं वो थोड़ा पता चल रहा है, उसको मैच करना पड़ेगा, अच्छा इसके नीचे आ रहा है, अच्छा इतने रन है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, और टेबल में साफ साफ पता चल जाएगा 5 ओवर में इतने रन, 10 ओवर में इतने रन, 20वें ओवर में इतने रन, 5 से 10 ओवर के बीच में क्लास इंटरवल में इतने रन, ठीक है, समझ गए। तो टेबुलर डेटा इज मोर अप्रोप्रिएट जब आपको उसको आगे प्रोसेस करना हो, लाइक इंटरप्रिटेशन वाली थर्ड स्टेज पे आपको जाना हो जो कि अगले साल जाएंगे। लेकिन अगर आप वहां तक नहीं जाना, केवल प्रेजेंट ही करना है, तो प्रेजेंट करने के लिहाज से ज्यादा अट्रैक्टिव तरीका होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसके तीन तरीके हैं हमारे कोर्स में, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी। अब हिस्टोग्राम्स भी दो तरीके के हैं, यूनिफॉर्म विड्थ और वेरिंग विड्थ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन इज बार ग्राफ्स, सेकेंड इज हिस्टोग्राम्स, और हिस्टोग्राम्स भी फिर दो तरीके के, यूनिफॉर्म विड्थ वेरिंग विड्थ। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, फिक्स है ना, और वेरी करने वाला है ना, बदलने वाला, ठीक है। तो एक तो फिक्स विड्थ का मिल जाए मुझे, उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है ना। हमारी जो ड्रेस होती है, हम स्कूल जाते हैं, वो यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो फिक्स है, फिक्स है ना भाई, वो ज्यादा ज्यादा ऐसे डे वाइज थोड़ी सी चेंजेस होगी भाई, वेडनेसडे को अलग पहन के हो, लेकिन ऐसा थोड़ा होगा कि मंडे को अलग पहनो, ट्यूसडे को अलग पहनो, तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब जो फिक्स होती है, तो यूनिफॉर्म विड्थ और वेरिंग विड्थ। और थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब उसमें से सबसे फर्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ, आपकी एक ही एक्सरसाइज है,
तो एक ही एक्सरसाइज में तीनों के क्वेश्चंस हैं, बार ग्राफ्स के भी हैं, हिस्टोग्राम्स के भी हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के भी। तो उसमें से द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज बार ग्राफ्स। शुरू करें इसको। हाँ वो चैप्टर से दो तीन चैप्टर स्टार्ट की दी। काट क्यों दिए? क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी और बच्चे कोविड की वजह से फेल हो रहे थे, मतलब कोविड में उन्होंने पढ़ाई नहीं करी तो उसकी वजह से वो फेल हो रहे थे। तो फेल हो रहे थे तो बहुत सारे कारण रहते हैं, नाउ वी विल नॉट डिस्कस इट फेल ये दो दो उसके। भी कर आ जाने दो। इस बार पाइथन क्या उसी कह रहा हूँ, पाइथन आ जाने। तो हमने तो इस बार भी पढ़ाई है पाइथागोरस, इस बार कट गई फिर भी पढ़ाई है। हाँ अरे 10th वालों को पढ़ाई है, 10th वालों की इस बार कट गई, लेकिन हमने तो 10th को वो वाली एक्सरसाइज पूरी करवाई है जो उनके लास्ट ईयर बुक में थी, इस साल कट गई लेकिन हमने तो फिर भी कराई। ठीक है, मिली आपके तो ग्राउंड पाइथागोरस थ्योरम है भी कहाँ, तो एक्सरसाइज थोड़ी ना उसकी। ऐसे जनरल एप्लीकेशन तो जानते हो ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उनकी सर। तो पूरी एक एक्सरसाइज थी, उसमें भरे पड़े केवल उसी के क्वेश्चंस थे और डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली पाइथागोरस थ्योरम। तो वो उनके कट गई थी फिर भी हमने करवाई थी। ठीक है चलो चले आगे। सो सबसे पहला टॉपिक है, सब टॉपिक है बार ग्राफ्स। अब देखो इनके नाम से पता चल रहा है, बार बार मतलब कोई भी रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल चीज। जैसे सपोज करो किटकैट सब लोग खाते होंगे, सर तो किटकैट में डेरी मिल्क में बनती नहीं है बार, किटकैट में बनती है जो ईच स्लाइस होती है उसको एक जैसे तीन, लगभग जैसे बड़ी वाली में तीन आती है और छोटी वाली में दो ही आती है। तो मैंने एक स्लाइस जैसे तोड़ दी तो जो हर एक स्लाइस जो आपको दिख रही है उसको मैं कह सकता हूँ बार। क्या कह सकता हूँ? तो एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर बार्स दिखाई दे रहे हो उस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को कहेंगे बार ग्राफ। सिंपल सा। ठीक है, अब वो हो सकता है कि रेक्टेंगुलर बार्स हो या 3D में सोचें तो क्यूबॉइडल बार्स हो। और ऑब्वियसली हम 3D में तो बनाएंगे नहीं, हम 2D में ही बनाएंगे, तो हमारे लिए वो रेक्टेंगल्स रेक्टेंगुलर जो डब्बे हैं वो डब्बे ही बार्स हैं। तो बार ग्राफ्स का मतलब आपको डब्बे बनाने, रेक्टेंगुलर डब्बे बनाने फ्रीक्वेंसी देख देख के। सबसे सरल सी चीज यही है। ठीक है, तो बार ग्राफ्स आर द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ऐसा तरीका है जिसमें जिसमें बार्स बनाए जाते हैं। बार्स मतलब रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं, आर ड्रॉन कीपिंग अ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर बार के बीच में एक यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए, अच्छा जरूरी है। बार ग्राफ्स के केस में हर बार के बीच में एक यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब फिक्स होना चाहिए, यानी पहले रेक्टेंगल और दूसरे रेक्टेंगल के बीच में अगर तूने 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है तो दूसरे और तीसरे में भी एक, तीसरे चौथे में भी एक, चौथे और पांचवे में, वो गैप बदल नहीं सकते आप। वो गैप आप या तो पहले 2-2 सेंटीमीटर का रख लो, या पहले 1-1 सेंटीमीटर का रख लो, या पहले 3-3 सेंटीमीटर का रख लो। जो आपने गैप फिक्स कर लिया ना उन दोनों डब्बों के बीच में, वो यूनिफॉर्म रहेगा। क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मतलब फिक्स रहेगा। ठीक है बोलो नीलेश। जो हमने रेक्टेंगल्स बनाए, बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, ये बिल्डिंग खड़ी कर दी है बिल्डिंग, तो जो हम बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं ना उनके बीच का जो गैप होगा ना वो गैप अपन फिक्स रखेंगे, और गैप रखना भी जरूरी है। ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि सर गैप ना रखें तो नहीं, फिर वो दूसरे टाइप वाला, फिर हिस्टोग्राम हो गया, और हिस्टोग्राम कब बनता है वो भी देखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि जहां पे बार ग्राफ बनना है वहां हिस्टोग्राम बन सकता है, और जहां हिस्टोग्राम बन सकता है वहां, जहां बार ग्राफ बनना है वहां बार ग्राफ ही बन सकता है। कई बार आपको बोलेगा भी नहीं कि बार ग्राफ बनाना है हिस्टोग्राम बनाना है, बस कहेगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। अब आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन में बार ग्राफ बन सकता है या हिस्टोग्राम बन सकता है। ठीक है, एक बार बार ग्राफ हो जाए, हिस्टोग्राम हो जाए, दोनों चीजें हो जाएं, तो फिर आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां आप कंपेयर कर सकते हो कि बार ग्राफ तो कब बनाया जाता है और हिस्टो। अभी तो आप दोनों के बारे में नहीं जानते, तो क्या आप डिफरेंस सोचोगे भाई ये कब बनाएंगे कब बनाएंगे। अभी शुरू किया हमने टॉपिक, आज की क्लास के एंड तक आते आते आपको पता चल जाएगा कि बार ग्राफ्स तो कब सुटेबल रहते हैं और हिस्टोग्राम्स कब रहते हैं, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फिर तीसरी स्टेज है, उसके बारे में हम मोस्ट प्रोबेबली कल बात करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दीज टाइप ऑफ ग्राफ, अब देखो वैसे तो बता रहा है कि कब सुटेबल होते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक टेबल मिलेगी, तो वो टेबल जो है वो अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड? अगर वो अनग्रुप्ड है तब तो बार ग्राफ, और वो ग्रुप्ड है तो हिस्टोग्राम। अब ये तो एक रटने वाली बात हो गई, पर ऐसा क्यों होता है? जब क्वेश्चंस करेंगे तो खुद को आपको फील हो जाएगा।
आपको खुद को फील हो जाएगा कि हाँ यार ये तो वाकई में फैक्ट है कि अगर क्लास इंटरवल मिल गई, अपने को ग्रुपिंग मिल गई, तो आप बार ग्राफ पे जा ही नहीं सकते। ठीक है, सरल सा लॉजिक बताता हूं उसका मैं। आपने जब क्लास इंटरवल बनाई तो आपने कुछ इस तरीके की बनाई, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, एंड सो ऑन, 20 से 25, एंड सो ऑन, ऐसे बनाई आपने। तो आपने क्या नोटिस किया कि जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट है, जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट है। तो अगर ये बिल्डिंग 0 से शुरू होकर 5 पे खत्म हुई, रेक्टेंगल जो इसका बार हमने बनाया, तो अगले को 5 से शुरू भी करना है। तो अगले को 5 से शुरू करेंगे तो इनके बीच में कोई गैप आ सकता है क्या? क्योंकि 5 से ही शुरू करना है ना, वो 5 पे खत्म किया है, इसको 5 से ही शुरू करना है, तो गैप आएगा ही नहीं। ठीक है ना, इसको 5 से शुरू करना है। लेट सपोज करो ये बिल्डिंग बन गई, दूसरी वाली, ठीक है, समझ गए, क्लियर है? तो ये 5 पे खत्म हुआ है और ये 5 पे शुरू हुआ है, तो इसलिए इनके बीच में गैप नहीं आ सकता, समझ गए ना? लेकिन बार ग्राफ के बीच में गैप आएगा, क्योंकि उनके लिए ऐसा नहीं है कि तू यहां से शुरू और यहां पे खत्म। ठीक है, बार ग्राफ के बीच में गैप होगा और गैप भी यूनिफॉर्म होगा, हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होगा। और नहीं होगा फिर आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो हिस्टोग्राम आने दो, फिर बात करेंगे। अभी बेसिक डिफरेंस समझ में आया? बार ग्राफ के बीच में बिल्डिंग्स के बीच में गैप होगा, बार्स के बीच में गैप होगा, हिस्टोग्राम्स की बार्स के हिस्टोग्राम्स में भी एक्चुअली बार्स ही हैं, लेकिन उन बार्स के बीच में गैप नहीं होगा। और सुटेबिलिटी, जब जो गिवन टेबल है वो अनग्रुप्ड है तो बार ग्राफ्स और ग्रुप्ड है तो हिस्टोग्राम्स। ओके, चलो लिख लिया आपने। दिस टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर सुइटेबल फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लिख दिया नहीं तो हेयर, यहां पे ऑल द बार्स आर ड्रॉन आर ऑफ इक्वल विड्थ। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंगों के बीच में तो आप गैप नहीं गैप कर रहे हो, वो बराबर कर ही रहे हो, लेकिन बिल्डिंगों की चौड़ाई के बारे में तो बताओ, तो बिल्डिंग की विड्थ भी फिक्स है, समझ गए? बिल्डिंग्स की बार्स की विड्थ भी क्या है, और हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता कि फिक्स है, हिस्टोग्राम में फिक्स भी हो सकती है, क्योंकि हिस्टोग्राम दो तरीके के थे ना, यूनिफॉर्म विड्थ, वेरिंग विड्थ। तो यूनिफॉर्म विड्थ में उनमें बिल्डिंग की जो चौड़ाई है वो फिक्स रहती है, और वेरिंग विड्थ में उनकी चौड़ाई छोटी बड़ी कम ज्यादा हो सकती है। तो हिस्टोग्राम में तो दोनों केस हो सकते हैं, लेकिन बार ग्राफ में उनकी जो विड्थ है वो इक्वल रहेगी। ओके, चलो सेकेंड है हिस्टोग्राम्स, नोट करो, लिखने का काम पहले एक बार खत्म कर देते हैं, फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन रहेंगे, एक साथ एक साथ शुरू करेंगे हम सारी। वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अभी आज नहीं शुरू करेंगे, नहीं तो कुछ ज्यादा हौचपौच हो जाएगा। अभी हिस्टोग्राम खत्म करके एक आध क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है? हिस्टोग्राम्स, भी हो ग्राफ्स में कर लो, हाँ ग्राफ्स में कर लो, जाएगा। स्कूल में पढ़ा होगा ना, अरे सर वो डबल वाले की लिखा दिया मुझसे तो पहले कब पढ़े होंगे, 9 से पहले तो तुम आए नहीं मेरे पास, तो कब पढ़े हो? अरे सर वो डबल वाले की 9 से पहले लिखा कब आए? 2 बार 9th पढ़ाए गया? 9 9 से पहले तो मेरे पास कोई आता ही नहीं है, क्योंकि मैं आने ही नहीं देता। सर वो हिस्टोग्राम्स आर द लगता है ना, फॉर्म ऑफ, हाँ ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि हाँ ये देखा देखा सा लग रहा है, कई बार ऐसा फीलिंग आती है, कोई चीज देखते हैं ना ऐसा लगता है कि इसको पहले कभी देखा है ना, मुझे पहले कभी देखा है, परसों देखा होगा डांटते हुए। हाँ तो मैं उनको वीडियो में देखा हिस्टोग्राम्स आर दोस फॉर्म ऑफ ग्राफिकल, अब पढ़ो यहाँ पे, हिस्टोग्राम्स आर दोस फॉर्म, ये वाली लाइट क्यों नहीं चलाते, भूल जाते हो? है। यस सर क्या ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन क्या कर रहा है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था उसमें, सो भी जाएगा उसने क्या पता। ओके आइए, हिस्टोग्राम्स आर द दोस फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन विच, इसमें भी बनाएंगे तो बार जी, यानी कि वही रेक्टेंगल सी बनाने हैं, पर विथाउट कीपिंग एनी गैप बिटवीन देम। बेसिक डिफरेंस तो सबसे बड़ा यही है कि उन बिल्डिंग्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो बार्स आप बना रहे हो मे और मे नॉट बी,
यानी कि वो इक्वल विड्थ के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डेटा या गिवन क्वेश्चन। ठीक है, उसमें तो 100% इक्वल विड्थ के होंगे, इसमें मे और मे नॉट बी ऑफ द इक्वल विड्थ, इक्वल विड्थ के हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, और प्लस उनके बीच में गैप भी नहीं रहेगा। किनके बीच में? बार्स के बीच में, और वहां पे बार्स के बीच में गैप भी 100% है कि रहेगा ही रहेगा। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया? समझ में आया शैली? एक डिफरेंस बताओ हिस्टोग्राम्स एंड बार ग्राफ्स। हिस्टोग्राम्स समीक्षा बताओ एक डिफरेंस हिस्टोग्राम्स और बार ग्राफ्स में। वेरी इजी, हिस्टोग्राम्स में गैप नहीं होता, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग सटा सटा के बना देते हैं, और बार ग्राफ्स में क्या होता है? गैप होता है। बार ग्राफ में क्या होता है? ठीक है, कॉलोनी वाला प्लॉट है तो बार ग्राफ है, और कॉर्नर वाला, सॉरी, कॉर्नर वाला प्लॉट है तो बार ग्राफ है, क्योंकि उसमें गैप होगा। और मान लो अभी जैसे एक लाइन है, उसके अंदर एक दूसरे से मकान सटे हुए हैं, तो उनमें कोई गैप नहीं है, बिल्डिंग ये बिल्डिंग जहाँ खत्म हुई उसी के बिल्कुल दीवार से दीवार सट के दूसरी बिल्डिंग, तो वो है हिस्टोग्राम्स। जिसमें गैप नहीं हो वो है हिस्टोग्राम्स, जिसमें गैप हो वो है बार ग्राफ। एक डिफरेंस तो समीक्षा ने बताया, दूसरा डिफरेंस निलेश बताएगा। दोनों में दो ही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। क्या तीन डिफरेंस निकाल सकते हैं? गैप नहीं गैप का तो बता दिया ना उसने, गैप गैप का डिफरेंस तो उसने बता दिया, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, बार ग्राफ में गैप होता है। बैठो समीक्षा, एक डिफरेंस तो समीक्षा ने बता दिया, यूनिफॉर्म मतलब समझा ऐसे, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नहीं समझता मैं, देसी आदमी हूं। तो वो जैसे देने सरल भाषा में उसने समझाया ना, ऐसे सरल भाषा में समझा। मैं यूनिफॉर्म का मतलब नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं हिस्टोग्राम और बार ग्राफ का एक अंतर सरल भाषा में, वो अंतर वो नहीं होना चाहिए जो उसने बताया। प्लीज डिफरेंस हाँ अभिषेक बोलो डिफरेंस एक और। हिस्टोग्राम के केस में हम जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनकी चौड़ाई जो है, जैसे मैंने 10 बिल्डिंग बनाई है तो 10ों बिल्डिंग की चौड़ाई बराबर बराबर होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बराबर बराबर भी हो सकती है और छोटी बड़ी भी हो सकती है। हो सकता है एक बिल्डिंग की चौड़ाई इतनी है, दूसरे की इतनी है, और तीसरे की वापस कम है, फिर चौथे की वापस इतनी है, मतलब उनकी जो विड्थ है वो फिक्स भी हो सकती है और नहीं भी, यानी यूनिफॉर्म विड्थ हो भी सकती है, मे और मे नॉट बी ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ है। जबकि बार ग्राफ्स में क्या होता है, वहां पे यूनिफॉर्म विड्थ रहेगी, अगर एक बिल्डिंग की चौड़ाई इतनी है तो दूसरी की भी इतनी रहेगी, तीसरे की मतलब 20 बिल्डिंग बना लो सबकी चौड़ाई फिक्स रहेगी। नहीं सुनी थी ये बात? पर चल तीसरा बता दे डिफरेंस। एक ही पता क्यों, मैंने तो तीनों ही बताया ना, तीसरा डिफरेंस बताओ रिधि। बैठो, वेरी गुड। बार ग्राफ कब सुटेबल होता है? जब गिवन डेटा हमको अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हो। और हिस्टोग्राम कब बनता है? जब गिवन डेटा अपने को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट। तो ये तीन डिफरेंस अगर कल को यही पूछ ले आपसे, स्टेट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन हिस्टोग्राम हमारे, तो ये तीन डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। यस ठीक है, बैठिए सब लोग, और जो बाकी लोग ध्यान दीजिए। चलिए उठ के आगे आ जा, नोटबुक उठाओ और आ गया यहाँ बैठो। एंड नाउ यू विल फोकस, यू विल लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, लीविंग अदर थिंग्स बिहाइंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट चैप्टर है तो बिल्कुल मजे में आ जाए हम, ठीक है, और इजी सा ही चैप्टर है, चैप्टर तो वैसे इजी सा ही है, और ये चैप्टर में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि ड्राइंग वाला पार्ट है, कर लेंगे सर, छोटी मोटी बिल्डिंग तो बना ही लेंगे, आ जाएंगे, ऐसा नहीं। कोई भी चीज सीखें अच्छे से सीखें, मार्क्स भले अच्छे आए बुरे आए कोई बात नहीं, लेकिन सीखना अच्छे से, भाई हम तो हमारा कर्म पूरा करें। ऐसे ठीक है, फल देना भगवान का था। चलो नंबर देखो, आइए हिस्टोग्राम्स की डेफिनेशन हमने लिख दी है यहाँ पे। हाँ जी, अब ये हेडिंग डालिए, ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अपन हिस्टोग्राम्स बनाएंगे तो वहां पे इसका रोल है। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर अपन बार ग्राफ्स का क्वेश्चन उठा के करना, बार ग्राफ्स का तो आज निपटा ही देंगे, बार ग्राफ्स तो बहुत सरल सी चीज है। यार बहुत बहुत जल्दी हेडिंग लिख लीजिए फिर बताते हैं आपको ये क्या मुद्दा है। हो गया लिख लिया टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल लिख लिया, तो सर और दो तरह के क्लास इंटरवल्स हैं, एक तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल यस लिख लिया।
बताना शुरू करें? यस सर, दो तरह केवल यहां तक लिखो, एक बार पहले बताने दो फिर लिखते रहे। यहां तक हेडिंग तो डाल ली ना। क्लास इंटरवल कब बनती है? जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो, अनग्रुप्ड में तो बनती नहीं है। यानी कि जब हिस्टोग्राम बनाने की बारी हो तभी इसका रोल है, जब हिस्टोग्राम बनाने की बारी ना हो तो इसका रोल नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपको अनग्रुप्ड मिलेगी वैसे भी बार ग्राफ्स के लिए। तो ठीक है, तो क्लास इंटरवेल जो हम बनाते हैं हिस्टोग्राम बनाने के उपलक्ष्य से, हिस्टोग्राम बनाने के पर्पज से जो हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं कोई, तो क्लास इंटरवल्स बोलते हैं, वो भी दो तरीके की बनती है, वो भी दो तरीके। तो हमको मेक श्योर करना है कि हिस्टोग्राम बनाने से पहले हमारी क्लास इंटरवेल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवेल होनी चाहिए। इन केस वो इंक्लूसिव है, बन गई हमसे या क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको उसको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में पहले तब्दील यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ द हिस्टोग्राम। उससे पहले हिस्टोग्राम बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूं तो आप खुद समझ जाओगे कि अच्छा इसलिए इसको इसमें कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो मैं दो तरीके की क्लास इंटरवल्स लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे कौन सी एक्सक्लूसिव है और कौन सी इंक्लूसिव। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे वैसे तो। एग्जाम्पल देखो, अभी जो मैंने एक एक, एक, एक क्लास इंटरवल लिखी थी वो की वही मैं रिपीट करता हूँ, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25 से 30 and 30 से 35, 20 से 25 खा गया मैं, 20 से 25 and 25 से 30 हो गया ना। ठीक है, ये एक तरीके की क्लास इंटरवल है। अब दूसरे तरीके की क्लास इंटरवल देखो जरा, अब खुद डिफरेंस बताना मुझे क्या फर्क है दोनों में। 0 से 4, 0 से क्या 9, 9 लो, वो तो कुछ भी ले लो, वो फर्क नहीं पड़ता, आप क्या ले रहे हो नेचर पहचानना भी। 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19 और अगली ले लो 20 से 24 और लास्ट ले लो आप 25 से 29। 30 अगर बढ़ाना चाहो तो 30 से 34 एक और बनेगी, पर हमने 6 इधर लिए तो 6 इधर ले ली। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस फील कर रहे हो आप, दोनों क्लास इंटरवल में क्या फर्क आपको फील हो रहा है? यूनिफॉर्म नहीं है ये, इसका गैप बताओ क्या है, इसका गैप कितना है? 5। इसका गैप 5। इसका गैप 5। इसका गैप 5। इधर इसका गैप 4। इसका गैप 4। 14 में से 10 गई 4, 19 में बना यूनिफॉर्म तो है, इधर भी यूनिफॉर्म है, इधर भी यूनिफॉर्म है। सर इसकी जो कहाँ नहीं है यूनिफॉर्म बताओ, यूनिफॉर्म तो तब होता है जैसे मैं 10 से 14 और 15 से 25 कर देता, यहाँ का गैप बढ़ा देता, जब गैप बराबर है तो यूनिफॉर्म क्लास इंटरवेल ही तो है, यूनिफॉर्म ही तो वेट तो हो गई उसकी, तो यूनिफॉर्म तो है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर नहीं है। हाँ पता चला किसी को डिफरेंस दोनों में अवधि। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो सेम नहीं है, मतलब किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट अगली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से मैच नहीं खाती है, जबकि यहाँ पे खाती है। ठीक है, तो इसको ये खाना जरूरी है नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बताओ कैसे प्रॉब्लम होगी, अगर आपने 0 से 5 की बिल्डिंग बनाई तो फिर दूसरी 5 से 10 बनाओगे, तो 5 तो ये नंबर है, 0 ये नंबर है, 10 ये नंबर है, तो जब आप 5 से 10 की बनाओगे तो 5 वाले पे तो एक दीवार बना दी, बगल वाले मकान वाले ने एक दीवार तो खड़ी कर दी, मैं क्यों खड़ी करूं, मेरे को फायदा हो गया ना। सपोज करो मैंने अपने मकान की 2 दीवारें खड़ी करी, एक इधर एक इधर, अब जो मेरे सट के मकान बनाएगा उसकी एक दीवार तो फोकट में मिल गई ना उसको, क्योंकि उसको चिपका के बनाना है, तो वो ये वाली दीवार नहीं खड़ी करेगा, वो तो जस्ट ये वाली दीवार खड़ी कर देगा, ज्यादा ज्यादा रूप बना देगा। तो इसकी हिस्टोग्राम्स में दोनों का सट के खड़ा होना जरूरी होता है ना, तो अगर ये 5 और 5 मैच खाएगा तभी तो सट के खड़ा होगा, अगर 4 और 5 होगा तो सट के कैसे खड़ा होगा, गैप हो जाएगा ना बीच में क्या? नहीं दीवार नहीं तोड़ सकते हम, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। दीवार की काफी अच्छी खासी विड्थ होती है, वो भी लगा सकता है, ये भी लगा सकता है, ऐसी बात नहीं है।
पता है हमारी घरों की मैक्सिमम फिटिंग दीवारों में होती है, मैक्सिमम। चाहे से लाइट ले लो, चाहे से नल ले लो, चाहे से एसी ले लो, चाहे से कैमरा ले लो, मैक्सिमम फिटिंग सब दीवारों के अंदर। एसी की जो पाइप होती है, फिटिंग होती है, सब कैमरा की। एसी लाइन तो मैक्सिमम फिटिंग दीवारों के अंदर होती है। तो ऐसा थोड़ा ना कि उस समय दीवार दीवार बड़ी हो जाती है, वो उतनी सी दीवार, इतनी सी 3 इंच के एक ईंट लोगे ना, उसमें भी सब कुछ समा जाता है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हाँ देखो इधर, नहीं बिल्कुल मत बनना, दीवारें तोड़ देगी ये। चलो देखो, 4 और 5 में अगर सपोज करो, इधर मैं हिस्टोग्राम बनाने जाऊंगा तो 0 से स्टार्ट करूंगा, एक दीवार 0 पे स्टार्ट करूंगा और मेरी दीवार में 4 पे खत्म कर दूंगा, बिल्डिंग बन गई मेरी। अब उसकी दीवार तो 5 से शुरू हो रही है, तो 4 के बाद जो अगला नंबर 5 होगा, वहां से उसकी दीवार से तो गैप हो गया नहीं है, जबकि हिस्टोग्राम में तो गैप होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए ये क्लास इंटरवेल काम की नहीं है। अब सुनो दूसरी चीज, एक कारण तो ये, अब सर केवल हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप उसको गलत साबित कर रहे हो, सपोज करो हिस्टोग्राम बनाना ही नहीं है तो भी क्या वो गलत है? अभी भी वो गलत है, हिस्टोग्राम के मुद्दे को हटा दें तो भी वो गलत है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि 0 to 4, 5 to 9 आप इधर ले रहे हो, मुझे एक चीज बताओ, 4:30 को कहाँ काउंट करोगे, ऊपर या नीचे? बीच में तो कुछ है ही नहीं ना। 4.5 को कहाँ काउंट करोगे, वो तो 0 से घूम ही देता है और ये 4.5 से होता है, हाँ तो 4.5 कहाँ आएगा? सपोज करो मैंने कुछ भी डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो 0, 1, 2, 3, 4 वो तो पहली क्लास इंटरवल में काउंट हो गया, 5, 6, 7, 8 वो उसमें काउंट, लेकिन कोई डेटा 4.5 भी तो आ सकता है, 4.9 भी तो आ सकता है। मानो मैंने लेंथ ले ली किसी की, तो 4.5 सेंटीमीटर की तो लेंथ यस होती है ना, तो वो मैं इसको मैं यहां भी डाल सकता हूँ या भी डाल सकता हूँ, तो ये इनअप्रोप्रिएट है। इधर आप कैसा भी डेटा डाल सकते हो, इधर आप 4.5 भी डाल सकते हो, 4.9 भी डाल सकते हो, 4.9999 भी डाल सकते हो, कहीं ना कहीं तो वो किसी ना किसी क्लास इंटरवल में तो एडजस्ट हो ही जाएगा, इसीलिए भी वो इनअप्रोप्रिएट। तो समझ में आया कि इसको इनअप्रोप्रिएट क्यों कहते हैं? अच्छा, इनके नाम नहीं बताया मैंने, इसको इसका नाम होता है, सरल सी भाषा में इसका नाम बताऊं और फिर डिफिकल्ट भाषा में, सरल सी भाषा में इसका नाम है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। कंटिन्यूअस क्लास, कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है, 5, 5, 10, 10 कंटिन्यू, जहां खत्म हो रहा है वहीं कंटिन्यू हो रहा है, तो इसका उल्टा कर दूं तो डिसकंटिन्यूअस क्लास है। ये तो है सरल सी भाषा, लेकिन बुरी खबर है कि वो सरल सी भाषा यूज नहीं करता, वो यूज करता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। तो कंटिन्यूअस का नाम है, जो स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में बात करें तो उसका नाम है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब डोंट वरी, ये भी याद करवा दूंगा कि इसको एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं, और इसको इसका उल्टा हो जाएगा, एक्सक्लूसिव का उल्टा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब सुनो ऐसा क्यों? देखो, हमने एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में ये चीज सीखी है कि अगर एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर आ जाए तो ऊपर काउंट होगा या नीचे काउंट होगा? शायद नीचे नीचे, वाले नीचे में काउंट होगा, ऊपर में काउंट नहीं होगा ना, तो इसमें अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, इस चीज का नाम एक्सक्लूसिव है, क्योंकि 5 जो है इसमें शामिल नहीं हो रहा, अगले में शामिल हो रहा। जिस अच्छा क्लास इंटरवल में अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है, उस क्लास इंटरवल को कह दिया इन्होंने एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। उधर अगर मैंने 4 और 5 किया है तो एटलीस्ट 4 तो हो ही देगा, तो अपर लिमिट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड से बना इंक्लूसिव, एक्सक्लूडेड से बना एक्सक्लूसिव, इंक्लूड यानी शामिल करना, एक्सक्लूड यानी शामिल नहीं करना, तो ये अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके बैठा है, शामिल नहीं करता, अगले को भेज देता है, जैसे 5 आता है तो ये अगले को भेज देता है, 10 आता है तो अगले को भेज देता है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एक्सक्लूसिव। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? समझ में आई सारी बातें? लिख डालें, यस लिखो। सबसे पहले एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, द क्लास इंटरवल इन विच द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज एक्सक्लूडेड, द क्लास इंटरवल इन विच द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज एक्सक्लूडेड, ब्रैकेट में लिखो, नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब इंक्लूडेड नहीं है, एंड दैट टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अच्छा, एक डेटा या तो एक्सक्लूसिव में होगा या इंक्लूसिव में होगा, मिक्स में नहीं हो सकता, समझ गए? या तो वो शुरू से एक्सक्लूसिव में होगा, एंड तक एक्सक्लूसिव ही रहेगा, और या फिर वो इंक्लूसिव होगा तो इंक्लूसिव ही रहेगा। ये वर्ड आपने सुना होगा इंक्लूसिव, सर जैसे हमारे किसी कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसकी प्राइस लिखी रहती है, जैसे मान लो उसकी प्राइस लिखी हुई है ₹700, तो आगे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, यानी इसके अंदर सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है, ये MRP है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल, इस तरह की क्लास इंटरवल में होता क्या है,
द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, बनता होता है ना ऐसा? इस टाइप की क्लास इंटरवल में क्या होता है, हर एक क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट बनती है, बनती है। ठीक है, चले नेक्स्ट। नो सर, आई हेट नो, ठीक है ना, आई हेट द वर्ड नो। वाई से नो, से यस। आई हेट रिप्लाइज नो टू माई स्टेटमेंट, नॉट योर स्टेटमेंट, जो मैं बात कर रहा हूं उस पर मुझे नो पसंद नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां तक लिख लिया अपन ने, सो देर इज नो गैप इन बिटवीन द रेक्टेंगल्स, इसलिए गैप नहीं आता है, इसलिए यही बेहतर है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। सो देर इज नो गैप इन बिटवीन द क्लास इंटरवल्स, और गैप नहीं होता है ना, नहीं होता है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। हेंस इसीलिए दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इज ऑल्सो कॉल्ड द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल 300 to 400 गैप मत करो, वहीं से स्टार्ट कर दो, 400 to 500, 500 to 600 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बोलो क्या रह गया, नहीं ट्यूशन करवाऊंगा? तो घर पे बैठ के पढ़ते ना, इतना था तो मन नहीं सर, यहाँ आने का पढ़ने का बनता, घर जाके फिर सोने का। यहाँ तक हो गया? नो सर। यस सर। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूअस पे शुरू करें। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जिसका दूसरा नाम है डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। सेकेंड कैटेगरी इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जिसका निक नेम है डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। याद रखना मेन नाम इसका इंक्लूसिव है, हालांकि याद करने में कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस ज्यादा अच्छा लगता है, यूजर फ्रेंडली लगता है, जल्दी याद हो जाएगा, बट बुरी खबर ये कि हमको याद तो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव ही रखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव के हिसाब से होगा, ठीक है, वो निक नेम की तरह याद रख सकते हो। तो ऐसी क्लास इंटरवल जिसके अंदर अपर लिमिट को इंक्लूड कर दें, एक्सक्लूड ना करें, क्या करें, इंक्लूड कर दें, उसको कहेंगे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। वेरी इजी, जो इंक्लूड करे वो इंक्लूसिव, जो एक्सक्लूड करे वो एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल डज नॉट बिकम, उसमें तो बन जाती थी, इसमें नहीं बनती, डज नॉट बिकम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। इन दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास डज नॉट बिकम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास डज नॉट बिकम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ऐसा होने से गैप हो जाता है, सो देयर इज अ गैप बिटवीन द टू क्लास इंटरवल्स, गैप हो जाता है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स कहा जाता है। ऊपर जो डेफिनेशन है जस्ट उसका उल्टा उल्टा करते जाओ, वहां पे गैप नहीं हो रहा था, यहां पे गैप होगा। सो देयर इज अ गैप इन बिटवीन द क्लास इंटरवल्स, देयर इज अ गैप इन बिटवीन द क्लास इंटरवल्स, हेंस this type of class intervals is also called discontinuous class intervals. ऐसे कैसे नोट डाउन कर रहे हो, पहले उधर फिर इधर, ये क्या लिखा है, तो उधर क्या लिखा हुआ, डिक्शनरी बनाने को कहा था मैथ्स की नोटबुक में, ये रफ है तो फेयर कहाँ है, क्यों नहीं लाए, पीछे का थोड़ा सा ले रहा था, कब करोगे, तो करिए ना नाश्ते में। दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, डन। कहाँ गया,
हो गया नो सर, बराबर और ऊपर नो सर, हो गया नो। अब नोट में वही लिखा हुआ है कि इसको ग्रांट बनाने के लिए अपने को एक्सप्लोजिव क्लास इंटरवल चाहिए होगी। आर्य बताओ हिस्टोग्राम बनाने के लिए अपने को कौन सी क्लास इंटरवल चाहिए होगी? क्या हिस्टोग्राम्स बनाने के लिए अपने को कौन सी तरह की कितनी तरीके की क्लास इंटरवल होती है? और इंक्लूसिव हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको कौन सी तरीके की क्लास इंटरवल की जरूरत पड़ेगी? और बार ग्राफ्स बनाने के लिए? बार ग्राफ्स में तो ग्रुपिंग होगी नहीं, कोई भी नहीं चाहिए। क्लास इंटरवल क्यों चाहिए होगी उसमें? उसमें तो अलग अलग डेटा आएगा, क्लास मार्क आएगा उसमें तो। नहीं क्लियर हुआ? नहीं हुआ भी क्लियर? अब सुनो इधर सब लोग, इधर सुनो, ये है मेरे पास रो डेटा, ये है मेरे पास रो डेटा। रो डेटा को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में। जब मैं टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा तो या तो वो टेबल बनेगी अनग्रुप्ड या वो बनेगी ग्रुप। अगर अनग्रुप्ड बना दी तो वहां से बार ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, अगर ग्रुप्ड बना दी तो वहां से हिस्टोग्राम्स बनाए जा सकते। समझ आया? अब जब हम ग्रुप्ड बना रहे हैं तो वो ग्रुप भी दो तरीके के हैं, एक्सक्लूसिव ग्रुप और इंक्लूसिव ग्रुप। ग्रुप को ही तो क्लास इंटरवल कहते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल अगर बनती है तो वहां से हिस्टोग्राम्स बन जाएंगे, लेकिन अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स बनते हैं तो उससे कुछ नहीं बनेगा, उससे ना तो बार ग्राफ्स बन सकते हैं ना हिस्टोग्राम्स बन सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं बन सकता। उस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके फिर हिस्टोग्राम्स बनाना। समझ गए? यस सर। तो बार ग्राफ्स बनाने के लिए ग्रुप चाहिए नहीं, हमको तो अनग्रुप्ड डेटा चाहिए। कैसा डेटा चाहिए? जिसमें क्लास इंटरवल्स ना हो। ओके। और हिस्टोग्राम्स बनाने के लिए अपने को ग्रुप्ड डेटा चाहिए जिसमें क्लास इंटरवल्स हो, और वो भी कैसी वाली? एक्सक्लूसिव वाली। इनके इंक्लूसिव है तो उनको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर, वो आएगा क्वेश्चन बताएंगे। और ये वो तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब वो इस नोट में यही लिखा हुआ है कि हिस्टोग्राम्स बनाना है तो ग्रुपिंग शुड बी डन यूजिंग एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। नोट, हिस्टोग्राम्स कैन ओनली बी ड्रॉन हिस्टोग्राम्स कैन बी ड्रॉन ओनली हिस्टोग्राम्स तभी बनाए जा सकते हैं जब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हो यानी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हो। सो इसलिए इन केस द क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूस, यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस ना मिले तो क्या करना है? तो उनको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स टू द एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, ठीक है। यहां तक हो गया? नो सर। यहां तक हो गया? यस सर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में बाद में लिखेंगे। एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए स्पेस छोड़ देना, आप बता रहा हूं बस इतना। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन फिर कोर्स में नहीं है, एक पेज आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए छोड़ देना, तो अपन सीखेंगे बाद में, लेकिन इसके नोट्स आपके पास एक साथ ही हो जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज से आप एक्सरसाइज एक ही फ्लो में स्टार्ट करके एक ही फ्लो में खत्म कर सकते हो। ये लिखना मत, बस एक पेज छोड़ देना इसके लिए, ठीक है? ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे डालो एक्सरसाइज नंबर 13.1 हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्विक। उससे पहले इधर देख लो बेटा, आर्या ये रो डेटा है, रो डेटा से टेबल बनाने निकल गए हम। अब जब मैं टेबल बनाने निकल गया, क्योंकि टेबल से ही ग्राफ बनेगा, तो टेबल जो बनेगी वो दो तरीके की बन सकती है, या तो टेबल दो तरीके की बन सकती है, या तो प्रेजेंटेशन दो तरीके का होता है, टेबुलर ग्राफिकल,
अब ग्राफिकल बनाने के लिए पहले टेबुलर करना पड़ेगा, टेबल पे आ गया मैं, अब टेबल से ग्राफ बनेगी, तो वो टेबल भी दो तरीके की बन सकती है, कौन कौन सी, क्या क्या तेज बोलो ना, टेबुलर तो बेटा प्रेजेंटेशन करने का दो तरीका है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल ना करके सपोज करो मैंने टेबुलर प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लिया, तो टेबल्स भी अब दो तरीके की बनेगी, कौन कौन सी बोलो रिद्धि, टेबल्स दो तरीके की कौन कौन सी बनेगी, अनग्रुप्ड या फिर ग्रुप। इतनी सी बात याद नहीं हो रही आर्या, ग्रुप टेबल्स भी दो तरीके की बनेगी, या तो अनग्रुप्ड या फिर ग्रुप। अब अगर अनग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड टेबल है, तो यहां से बन सकते हैं बार ग्राफ्स, यहां से क्या बन सकते हैं। चलो जब अपन ग्रुप्ड टेबल बनाते हैं तो वो भी दो तरीके की हैं, या तो एक्सक्लूसिव ग्रुप्स या फिर इंक्लूसिव ग्रुप्स, या तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, या पहले मैं यहां पे इंक्लूसिव लिखता हूं, या तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स या फिर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। तो अगर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स बन जाए हैं मेरे पास, तो वहां से हिस्टोग्राम्स बनाए जा सकते हैं, क्या बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर इंक्लूसिव हैं तो इंक्लूसिव तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, अपने आप को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके फिर हिस्टोग्राम बनाएगा, लेकिन ये यहां से बार ग्राफ नहीं बना सकता, याद रखना। बार ग्राफ का मुद्दा अलग है, बार ग्राफ को अनग्रुप्ड डेटा चाहिए, ग्रुप्ड वाला डेटा चाहिए ही नहीं। समझ गए कि ये चार्ट समझ में आ गया क्या, टेबल दो तरीके की, अनग्रुप्ड या ग्रुप। अनग्रुप्ड से हमेशा क्या बनता है, बार ग्राफ। ग्रुप्ड से क्या बनता है, हिस्टोग्राम बनता है, लेकिन ग्रुप भी दो तरीके के, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव होगा तभी हिस्टोग्राम बनेगा, इंक्लूसिव होगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे फिर, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करके एटलीस्ट ग्रुप्स तो होंगे हमारे पास, फिर उस एक्सक्लूसिव से हिस्टोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है अभी। चलो एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज नंबर विच वन, मेरे यहां पर है ये 14.2 है मेरे यहां पे। हाँ तो उसने तो तीनों का इंट्रोडक्शन एक साथ ही किया ना, इससे एक्सरसाइज में ही है ना तीनों क्वेश्चन ही, तो उसको तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तीनों के एग्जांपल देने पड़ेंगे ना। एक्सरसाइज 14.3 है मेरे पास, आपकी जो भी सीक्वेंस हो क्वेश्चन मैच करो, ये क्या पढ़ना स्टार्ट करूं मैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। इधर देखो स्क्रीन पे सब लोग, एवरीवन ऑन द स्क्रीन, इस सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, सर्वे का मतलब होता है किसी चीज की पूछताछ छानबीन या किसी चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करना, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया, किस कारण से, मतलब मुद्दा क्या था, मुद्दा था कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द विमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44, 15 से 44 साल के बीच की औरतों के बीच में जो इलनेस, घातक इलनेस या डेथ के प्रमुख कारण क्या है। 15 टू 44 इयर्स की जितनी भी डेथ्स होती हैं, विमेन डेथ्स होती हैं, उनके क्या क्या रीजंस रहते होंगे, इसके बारे में सर्वे कंडक्ट किया गया किसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ओके। तो वहां से जो वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड ये सर्वे कंडक्ट किया गया है, और सर्वे कैसे कंडक्ट करेंगे, जैसे मान लो किसी एक हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में आपसे पूछा गया भाई इस एज ग्रुप में जिनकी औरतों की डेथ हुई है वो किस कारण से हुई है, नोट कर लिया भाई इस कारण से हुई है, फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में गए, फिर किसी ऑस्ट्रेलिया के, तो कुछ डेटा मिला होगा। तो वर्ल्ड वाइड जो डेटा मिला वो डेटा कुछ इस प्रकार है जैसा इसमें दिया हुआ है। तो देखो आपको गिवन जो चीज है वो एक टेबल है या नहीं है, आपके पास टेबल है ना, यानी रो डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके ये खुद देगा। अब वो टेबल ग्रुप डे या अनग्रुप आपको सोचना है, अगर वो अनग्रुप डे तो बार ग्राफ, और अगर वो ग्रुप डे तो हिस्टोग्राम्स। ऐसा भी हो सकता है कि हमें ग्रुप में कन्वर्ट करना ना, ऐसा नहीं। अगर देखो वो क्वेश्चन ऐसे कह दे, मेरी बात सुनो, वो क्वेश्चन ऐसे कह दे कि नहीं इसका तो बार ग्राफ ही बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ मत, तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड को भी अनग्रुप में चेंज करेंगे क्लास मार्क लेके। क्लास मॉनिटर लेते थे ना अपन, जैसे 5 से 10 का क्लास मॉनिटर हो जाएगा 7.5, तो 7.5 7.5 तो ये अनग्रुप्ड बन गई, तो वो काम हम करेंगे, बट इसके रेयर चांसेस है। आपको या तो ग्रुप डेटा देगा या अनग्रुप देगा, अनग्रुप देगा तो बार ग्राफ बनेगा, ग्रुप डेटा देगा खुद ही ऐसे ही कहेगा, अनग्रुप देके वो क्या कहेगा बार ग्राफ बना लो, और ग्रुप देके वो क्या कहेगा हिस्टोग्राम। अभी समय में ग्रुपिंग हो रही है क्या, इससे यहाँ से ग्रुपिंग कैन ओनली बी डन व्हेन दिस कॉलम इज न्यूमेरिकल, ये कॉलम न्यूमेरिकल ही नहीं है, यहाँ तो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं।
तो अनग्रुप भी पॉसिबल है, स्टेटमेंट तो थोड़ा ग्रुपिंग कर सकते हो आप भाई, कुछ नंबर से मेरे पास एक से लेकर सौ उनकी तो ग्रुपिंग कर सकते हो, एक से पांच, जीरो से पांच, पांच से दस, दस से नंबर की तो ग्रुपिंग हो सकती है, कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनकी ग्रुपिंग कैसे करोगे, नहीं करोगे ना। तो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो 100% अनग्रुप्ड है, और अनग्रुप्ड है तो पैराग्राफ ही बनने वाले, जब यहाँ पे कुछ नंबर्स की बन उन नंबर्स की ग्रुपिंग पॉसिबल जो नीचे के क्वेश्चंस में अपने को मिली। तो एक बार रीड आउट करूं इसको, वैसे तो ये इनका मतलब क्या है ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो पैराग्राफ बनाने चाहिए, बट मुझसे फिर रहा नहीं जाता, जो जो भी है एक बार अपन पढ़ लेते, जब तक अपने को मीनिंग समझ में नहीं आई क्वेश्चन का तो वो क्वेश्चन से दिल नहीं लगता, फिर क्वेश्चन में मन नहीं लगता, क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि बोले एक रट्टाफिकेशन वाले तरीके से बस ऐसा करना होता है और कर दें तो मजा नहीं आता। ठीक है, पढ़ लें, कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने कि वर्ल्ड वाइड जो डेटा मिला, फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में हमको ये डेटा मिला। फैटलिटी रेट का मतलब, फैटल का मतलब होता है जानलेवा या घातक, यानी कि किस इतने मतलब है ना, इस कारण से इतने प्रतिशत औरतों की डेथ हुई, इस कारण से इतने प्रतिशत, इस समझ गया ना, फैटलिटी रेट यानी डेथ रेट, फैटलिटी रेट है। तो सबसे पहला कारण, मुख्य कारण जो सबसे ज्यादा कारण पाया गया, वो पाया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, रिप्रोडक्शन के दौरान, समझ गए ना, रिप्रोडक्शन के दौरान, समझ गए, उस दौरान विमेन की डेथ हुई 31.8%, मैक्सिमम डेथ्स इस एज ग्रुप में इस दौरान होती है। उसके बाद न्यूरो साइकाइट्रिक कंडीशन, इसको पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ सर न्यूरो, फिर पी साइलेंट है, साइक साइकाइट्रिक कंडीशंस, क्या होती है न्यूरो साइकाइट्रिक कंडीशन, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू माइंड, ह्यूमन ब्रेन, जो ब्रेन से रिलेटेड होता है उसको कहते हैं साइकाइट्रिक, और न्यूरो साइकाइट्रिक जो उसकी नर्व्स, ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं उससे रिलेटेड होता है, समझ। तो उस ब्रेन प्रॉब्लम की वजह से इतने परसेंटेज औरतों की डेथ हुई, इंजुरीज यानी कुछ लगने की वजह से, कुछ एक्सीडेंट हो गया, चोट लगे, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है 12.4, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो जहां भी वर्ड आ जाए रिलेटेड टू हार्ट, तो हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, इन कंडीशंस की वजह से भी 4.3% औरतों में डेथ होती है। रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने में प्रॉब्लम, आस्थमिक हो जाए कोई, किसी को अस्थमा हो जाए, अदर कॉसेस, और बाकी कुछ अदर कॉसेस भी रहे होंगे, 22% उसमें शामिल। तो अब अपने को एक बार ग्राफ डेटा बनाना है जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करता हो, एक चार्ट बनाना है जिसमें ये सारे डेटा हम पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करेंगे, समझ आया। ओके, तो वैसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं फिर भी, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, ये लो उसने कहा कि बार ग्राफ बनाओ, बस उसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। अब आप सोचो ये टेबल कैसी है, अनग्रुप्ड है, तो अनग्रुप से क्या बनता था, बार ग्राफ, तो याद रखना पड़ेगा किससे क्या बनेगा। और सेकेंड फिर जो क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, जो मेजर कॉज था वो क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये तो बस इस चार्ट में से देख के बताना, आप क्या कहोगे, द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ये तो बहुत सरल सी बात हो गई एक तरीके से, बस पहला क्वेश्चन करना है मेन तो, और ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट। तीसरा क्वेश्चन एनालिटिकल होगा, मतलब ये सबका आंसर इसमें अलग अलग हो सकता है। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबव बींग द मेजर कॉज। ये क्या कह रहा है कि सेकेंड नंबर में जो क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा, ठीक है ना, नहीं सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में आपने जो मेजर कॉज लिखा, क्या लिखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो दो मेजर फैक्टर्स बताओ जिसके कारण ये सबसे ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है विमेन के लिए। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप कंसल्ट कर लेना अपनी किसी टीचर, बायोलॉजी की टीचर से, क्योंकि इसका कारण तो वही बता सकती है, मैथ्स का टीचर तो कैसे बताएगा, मैथ्स का टीचर तो अज्यूम कर सकता है या तुक्का लगा सकता है, बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो वही बता सकता है कोई। सुधाकर सर, हाँ बायोलॉजी, वो बायोलॉजी भी पढ़ाई देते हैं ना 9th-10th को, तो हाँ ठीक है, तो आप कर सकते हो उनसे डिस्कस, बाकी मैथ्स से तो बिल्कुल नहीं डिस्कस किया जा सकता ये। ओके चलिए, तो अपन पहला क्वेश्चन करें रिप्रेजेंट, या फिर आप अपने आस पड़ोस अपने मोहल्ले में भी इस चीज की जानकारी ले सकते हो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, मम्मी से भी पूछ सकते हो। यस, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट ग्राफिकली, देखो मुझसे पूछोगे तो मैं तो एक कारण मेन कहूंगा कि यहाँ पे हमारे इन अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज होने की वजह से, जैसे पुराने जमाने में आपको पता है बच्चे घर पे पैदा होते थे, बच्चे घर पे पैदा हो जाते थे, और उस टाइम के लोग हॉस्पिटल जाने से डरते थे, तो वो मन में एक भ्रम बना हुआ है, वो पुरानी साइकोलॉजी है कि हॉस्पिटल नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना, तो फैसिलिटीज अप्रोप्रिएट मिलती नहीं थी, उसके कारण औरतों की डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो ये कारण मैं मान सकता हूँ कि वो ब्रेन वॉश ऐसा हो रहा है
जिससे वो औरतों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही रिप्रोडक्शन के दौरान, इसीलिए ये डेथ्स हो रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कारण नहीं बता सकता। आ जाइए अब तो ग्राफ्स उठाइए अपने अपने, उठा लो। अब इसमें ग्राफ उठाइए बोला, शैली उठाइए ऐसे तो ना बोला, इधर आ जाओ वापस। हाँ ये बना तो रखा है आपने ना, 5 मिनट में हो जाएगा। देखो हमको पहले ये काउंट करना है कि कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स तो दो हैं, तो दो कॉलम्स मतलब एक एक्स एक्सिस पे आएगा और एक वाई। तो जो रीजंस हैं वो हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी को क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितने कॉजेज हैं, एक दो तीन चार पांच छह कॉजेज हैं। दैट मींस हमको 6 बिल्डिंगें खड़ी करनी, कितने बिल्डिंगें खड़ी करनी है, 6 बिल्डिंगें खड़ी करनी। क्लियर, स्टार्ट करें खड़ी करना। ठीक है, तो मैं एक बार शीट खोल, ग्राफ शीट खोल देता हूँ। ऐसा हाँ होनी चाहिए, देख लेते हैं। मैंने वीडियो नहीं होनी तो चाहिए, देखा है ना। स्पेशल ग्राफ सैंपल ग्राफ इमेज, ऐसा बहुत ज्यादा छोटी है, इसको बड़ी कर देता हूँ। अच्छा एक और चीज बेटा, स्टेटिस्टिक्स में जो आपको ग्राफ्स यूज होंगे वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही यूज होंगे। ओके, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो स्टेटिस्टिक्स का पार्ट एंड पार्सल नहीं। थोड़ा सा बस एक लाइन आप छोड़ देना, कई बार वो ग्राफ थोड़ा सा उठ के यहां तक आ जाता है, बाकी इससे ज्यादा आपको नहीं छोड़ना है। इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कौन सी लाइन। नहीं, मतलब कोई भी ग्राफ बनाते हैं ना हाँ तो बीच में सर लाइन छोड़ फिर बनाना चाहते हो? ऐसा किसने कहा, मैंने कहा। नहीं अब जो मैं कहूँ केवल सवाल मेरी बात पे होना चाहिए। इससे पहले तो आप अभी स्टेटिस्टिक्स पढ़ने आए नहीं मुझसे, मैंने कहा नहीं। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, और उसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछो। ये ऐसे भ्रम भुलेखे मत मानो कि एक लाइन छोड़ के करेंगे तो अच्छा बनेगा तो जय श्री राम पे लिखते फिर ऊपर और अच्छा बनेगा। हाँ चलो देखो, तो वो एक अपनी अपनी फिलोसफी है, डोंट कंपेयर इट टू द नॉलेज पार्ट। आइए क्या ज्यादा हो गया। हाँ जी देखिए इधर, तो ऐसा प्रॉपर्टी आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये देख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो जो एक्स एक्सिस होगा वहां तो अपन कॉजेस डालेंगे, और जो वाई एक्सिस होगा वहां अपन फ्रीक्वेंसी डालेंगे। तो पहले वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो देखो। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं 31.8, 25.4, 12.4, 4.3, 4.1, 22.0। अब ऑब्वियसली 38 डब्बे, 31 डब्बे तो हमारे ग्राफ शीट में होते नहीं है, तो आपको स्केल लेना पड़ेगा। अब आप पहले डिसाइड करो ऐसा क्या स्केल में जिसमें ये 500 सेकंड्स में मेरे सेटिस्फाई हो गए। हाँ तो 5-5 का गैप लेंगे तो देंगे क्या, अगर 5-5 का गैप लेंगे तो 31.8 5 6 4 30, 6 डब्बे में आ जाएगा। लेकिन 5-5 का गैप लेने में उसके बीच में जैसे सपोज करो 31.8 पे लाना है तो दिक्कत आती है तो कितने कितने का गैप है, 4-2 का गैप। अगर मैं 2-2 का गैप लूं तो मैक्सिमम है 31.8 यानी 32 मान लो, तो दो दो के गैप में 32 फ्रीक्वेंसी 16 डब्बों में कवर हो। काउंट करो सब अपने अपने स्केल, 16 डब्बे हैं क्या। अरे कईयों की ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना। 16 डब्बे तो ऑब्वियसली होंगे, तो द बेस्ट ऑप्शन इज की दो दो का काउंट करना। 4 में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब अगर मजबूरी आ जाए तो करो, बाकी 2 में काम हो रहा है। अपने को 16 ही चाहिए, 16 2 32, दो दो के गैप में चलेंगे तो 32 तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मतलब भगवान करे कि हम पहुंच जाएंगे वहां तक। ठीक है ओके, चलो तो हमको 0 से लेके 32 तक पहुंचना है दो दो के गैप। स्टार्ट करें, अब देखो ग्राफ में बोलता हूँ, आप ट्राई करो फिर मैं एक एक के पास आता हूँ, देखें आपने कैसा बनाया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब वो कहाँ ड्रॉ करें,
तो एक काम करते हैं, कितने डब्बे हैं टोटल? 26. 26, तो हमको तो 16 ही चाहिए। 16 से नीचे कितने बचे? करीब 10 बच गए। तो आप एक काम करें, नीचे से करीब 6 या 7 लाइन छोड़कर ऊपर तो बना दो एक्स एक्सिस, 6 या 7 लाइन नीचे से छोड़ के बना दो एक्स एक्सिस। समझ गए? नीचे से 6 या 7 लाइन छोड़ दो और ऊपर बना दो एक्स एक्सिस, उसके बाद भी 16 डब्बे बच जाएंगे ना, ठीक है। और वाई एक्सिस कहाँ बनाएंगे हम? वाई एक्सिस आप इधर लेफ्ट साइड से 2 या 3 लाइनें छोड़ के इधर बना, 2 या 3 लाइनें लेफ्ट साइड से छोड़ के। नहीं समझ आया? ठीक इधर देखो, ये नीचे से 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें छोड़ के तो आप बनाओ एक्स एक्सिस, और लेफ्ट साइड से 2 या 3 लाइनें छोड़ दो, कोई 2 छोड़ देगा तो भी चलेगा, तो कोई 3 छोड़ देगा, सपोज पर 3 लाइन छोड़ दीजिए, बना हुआ एक्सिस। तो मैक्सिमम पोर्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहेगा, ये सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल नेगलिजिबल स्पेस का बचना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैक्सिमम बचना चाहिए। समझ गए? तो सबसे पहले तो ऐसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करो, पेंसिल शार्प कर लीजिएगा। ठीक हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ होने का काम हो गया, तो आगे बढ़े। अब देखो कितना नीचे लिखेगा तो ये डिस्टेंस से लिखने में दिक्कत आएगी, ऊपर ये डिस्टेंस से अच्छा डाले नहीं ना, तो इसको ये एनालिसिस करना होता है। ये स्टैटिस्टिक्स याद रखना, इस चीज का भी सब्जेक्ट मैटर है कि आप कितना सुंदर ग्राफ बनाते हो, दिखने में अट्रैक्टिव एंड क्लीन होना चाहिए। तो आप सपोज करो, कई कई में देख पा रहा हूँ बच्चे नीचे ही एक्स एक्सिस बना बैठे, नहीं अब नीचे ही एक्स एक्सिस बना बैठे था, तो मुझे चीज बताओ उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ? दूसरी कॉपी में लिखोगे? दूसरी चीज, ऊपर का गैप जो बचा उसका चार डालो, तो यूटिलाइज करो पूरा स्पेस यूटिलाइज करो, थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाएंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखने की जगह बचेगी, और ये समझ गए। अभी लिखो कुछ मत, लिखो मत 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 लिखो मत, बता क्या। ओके, क्या क्या किया बेटा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई। ओके, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई तो हम एक काम करते हैं, दो दो एक एक सेंटीमीटर के गैप में 2 4 6 दो दो का स्केल पकड़ लेते हैं, और 16 से वो कहां तक पहुंच जाएंगे हम? 35 तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे, बोलो नहीं पहुंचेंगे? तो मैं 32 का आईडी आप इसमें नहीं है आपके, इसमें तो हो सकता है, इससे क्यों कंपेयर कर रहे हो आप? करोगे? मैं तो मेरा छोड़ो, मेरा तो जो मुझे करना होगा मैं कर लूंगा, आपकी सोचो। देखो ये पहला वाला जो गैप होगा इसको 2 ले लेना, 2 ले लेना, समझ गए? 2, फिर सेकंड सेंटीमीटर, ये एक एक सेंटीमीटर के डब्बे होते हैं आपके ग्राफ शीट में हमेशा, है ना, तो पहले सेंटीमीटर पे 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, एंड देन 12, एंड देन 14, एंड देन 16, एंड देन 18, 20, 22, उसके बाद बोलो 24, 24, देन 26, 28, बस इससे ज्यादा मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। आप बना लेना, लेकिन आप तो बना लेना, अरे आप तो 32 के आगे 34 तक भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आध एक्स्ट्रा ही बनाया करो, नहीं तो चेक करने वाला लगेगा कि इतनी कंजूस है, जितनी जरूरत थी उतना ही ले लिया, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा नहीं बनाई, ठीक है। तो एक आध एक्स्ट्रा अगर जगह बचती है तो बना लेना, जगह नहीं बचती है तो कोई हार्ड एंड फास्ट फास्ट भी नहीं, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी तो सेट हो गई, हो गई। अब हमको देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, सबसे पहले वाली बिल्डिंग 31.8 तक लेके जानी है, इसकी ऊंचाई कहां तक लेके जानी है? 31.8 तक। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 31.8 कैसे मार्क होगा इस ग्राफ में, तो सुनो ध्यान से, हर एक सेंटीमीटर में दो दो परसेंटेज है, एक्चुअली हर एक सेंटीमीटर में दो दो परसेंटेज है या नहीं है? तो हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइंस भी आप चेक करो सकते हैं, और ग्राफ वही लाना जिसमें वो लाइंस कई ग्राफ्स में नहीं होती है, वो नहीं लेके आना कभी भी, उसके बीच में 10 छोटी लाइंस भी हैं, वो हर एक छोटी लाइन 0.1 0.2 0.3 होता है। तो आप खुद सोचो, एक सेंटीमीटर में अगर 2% है तो एक छोटी लाइन में कितना परसेंट होगा? 0.2 होगा, होगा नहीं होगा? तो 30 तक तो आप आ गए,
आ गए सब लोग। अब 30 के बाद कहां तक जाना है आपको? 31.8। पहली बिल्डिंग कहां तक लेके जानी है चेक करो, पहली बिल्डिंग की डिटेल क्या लिखी हुई है चेक करो, 31.8। तो आपको 31.8 तक उसकी ऊंचाई लेके जानी है, यही काम करना है आपको। तो 31.8 तक कैसे जाओ? या तो आपकी ग्राफ शीट पे 30 दिखाई दे रहा होगा या 32 दिखाई दे रहा होगा, 31.8 उसके बीच में कहीं होगा। अब 32 से 31.8 कितना कम है? 0.2। 0.2 कम है, कितना कम है? और 0.2 एक सिंगल लाइन के बराबर है, छोटी वाली सिंगल लाइन, यानी 32 से जस्ट नीचे जो छोटी वाली लाइन है वही 31.8 होगी। क्यों? यस देखो जैसे ये है 32, तो ये है 30, तो 30 के ऊपर भी कौन सी लाइन है? 0.2 0.2 0.2, आपका टोटल टू सही दिखता है, पर टू को नेम में ड्रैग करते हैं, 10 छोटी लाइन है तो 0.2 है, फिर 30 के बाद एक छोटी लाइन पर गए 30.2, देन 30.4, देन 30.6, देन 30.8, और एग्जैक्टली में 31 है। उसके बाद अगर 31.2, 31.4, 31.6, 31.8 यहां आएगा प्लस 15। तो जो पहली बिल्डिंग आप खड़ी करोगे यहां से लेके यहां तक वो दिखती है, समझ गए? अच्छा, बिल्डिंग के बीच में गैप इक्वल होना चाहिए बार ग्राफ्स में, तो हम 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, दैट मींस हम पहली बिल्डिंग कहां से बनाना शुरू करेंगे? गलत। अच्छी पहली है आप पे, ठीक है आपकी, बताओ। हाँ देखो, पहली बिल्डिंग देखो ना, देखो हमको बिल्डिंग्स के बीच में इक्वल गैप रखना है बार ग्राफ्स, तो हम पहली बिल्डिंग यहां से बनाना शुरू करेंगे, यहां से बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का गैप हो गया, मतलब ये पहली बिल्डिंग बनेगी, ठीक है? दूसरी बिल्डिंग फिर 1 सेंटीमीटर के गैप पे ऐसे, फिर यस सर, 1 सेंटीमीटर के गैप पे ऐसे, क्योंकि बिल्डिंग्स के बीच में गैप होना चाहिए और वो भी इक्वल होना चाहिए बार ग्राफ के, ये रूल्स है, ठीक है? तो हम यहां से लेके यहां तक 31.8 तक उसको लेके जाएंगे, और 31.8 ना आएगा और बता चुका हूँ, किसी को भी डाउट हो तो मुझे बताओ कि 31.8 किसको ना समझ में आया, 31.8 समझ आ गया आपका? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत आ रहा है, आप 31.6 बना के बैठे हो, इधर रहो। एक सेंटीमीटर का है तो दूसरी चीज, आप बिल्डिंग बनाएंगे और देखो पूरा ठीक है, सही करो सारी चीजें, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। 30.2.2 का गैप है, 30.2, 30.4, 30.6, 30.8, 30 में एग्जैक्टली लिखो, अब 31.2, 31.4, 31.6 जो देखो अभी आप 31.8 करो, तो या तो नीचे से ऊपर आया ऊपर से नीचे करो, ठीक है? आप समझ बताओ, चलिए बताओ ये करेक्ट है, पेंसिल तोड़ क्यों चाहता हूँ? ये ऊपर वाली लाइन खेल रही है तो खा सकते हैं एंटर में, तो इधर वालों का तो हो गया काम, आप क्यों बताओ तो रुमाल बना के लाएंगे एंटी की तरह, ग्राफ ग्राफ कैंडिडेट ये क्या कर रहा है, ग्राफ की कैंडिडेट फिर बाहर निकालो दो बार बनाया गया। हाँ इधर तो ड्राइंग की गलत, पहली बार गलत, कोर्स तेरी भी पहली बार गलत, तेरी भी पहली बार गलत, तेरी भी पहली बार गलत, इधर आओ सारे मुझे इधर आओ, सारे मुझे इधर आओ, अरे अरे इधर आओ, आप दोनों इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो सब सब लोग इधर, ये सारे बहुत हैं, दो दो करने के काम होता है,
इनके बीच की जो छोटी लाइन है वो पॉइंट फोर वन है, तो आप कहना होगा कैसे पता चलेगा, पूरी दो बता देगा तो टू डिवाइडेड बाय टेन से आता है माइनस टू, तो आप 30 तक तो आ गए, अब उसके बाद ए की छोटी छोटी लाइन पॉइंट फोर पॉइंट टू है, टू पॉइंट थर्टी पॉइंट फोर ये फोर पॉइंट थ्री, ये थर्टी थर्टी पॉइंट टू 30.4, 30.6, 30.8 और बीच में 30 का होगा, आते हो 30 और 30 के एंड में हमने 31 होगा, अब 31 से ऊपर चलते हो 31.2, 31.4, 31 या यहां तो वहां 11.6 है, इससे एक लाइन और ऊपर जाएंगे इसका भी 31.8 है, आप काफी गलत है ना, बता रहा हूँ देखते गलत है। अब सुनो एक तरीका है कि आप इसे तो आप ऐसे तो कर सकते हो कि 32 से कितना नीचे आ रहा है, 0.2 को नीचे आ रहा है, अगले जाकर समझ आ रहा है, तो 32 से एक लाइन निकल के तो 0.8 मिल जाएगा आपको, दो लाइन तो नहीं कर रहा, अगर आप दो लाइन कर रहे हो तो आप 0.4 आ रहा है, क्योंकि एक एक लाइन 0.1 थोड़ी ना, अगर हर एक छोटी लाइन 0.1 0.2 0.3 0.4 होती तो दो लाइन करते ही 0.2 ही होता है, एक एक लाइन 0.2 को काउंट करता है, तो आपको अगर 0.2 नहीं होता तो आपको कटते एक ही लाइन है, ठीक है आप करेक्ट करो, मुझे जाए समझ आया क्या, अभी तो एक ही बिल्डिंग बनी है लेकिन अब जल्दी जल्दी बन जाएगी, ठीक है। हाँ जी आइए, सो आपकी पहली लाइन को जैसी बन गई होगी ऊपर थेट, अब यहां पे मेरी यहां पे ये 22 पे खत्म हो गई है तो आपको दिख नहीं रही होगी, पर ये मेरी पहली लाइन, ठीक है, इसकी छत भी बना लो, कलर चेंज कर देता हूँ, सही कहा तुमने, सब लोग चलो अभी देख रही है, ठीक है, ओके कलर और रेड भी कर सकते हैं हम चाहें तो, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अभी अब ज्यादा आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है, अब मेरे पास ऊपर की सुविधा नहीं थी इसलिए इतनी बनाई है मैंने, बाकी इसके आगे भी है, समझ तो गए ना 31.8 का है, चलो सेकंड डेटा बताओ, सेकंड है 25.4, ये बताओ कहाँ होगा, अब 25.4 24 और 26 के बीच में होगा, पहले चीज सोचा करो किस किस के बीच में होगा, तो 24 और 26 मार्क किया हुआ है आपने, देखो आपके उसमें उसके बीच में तो होगा, अब 24 के ज्यादा करीब होगा या 26 के ज्यादा करीब होगा, सोचो बीच में होगा, 26 के ज्यादा, बीच में तो 32 होगा ना, करेगा 26 के ज्यादा करीब होगा, तो 26 से कितना कम है 0.6 के लिए कितनी लाइन है 26 से नीचे होता है 3 लाइन, क्योंकि हर एक लाइन में 0.2 शामिल होगा, समझ गए, तो 26 से 3 पॉइंट नीचे होता है, ठीक है, दूसरे बिल्डिंग बनाने के लिए 26 से हम 3 पॉइंट नीचे उतर जाएंगे, उतर गए, दिक्कत तो नहीं है उतरने में, ठीक है, तो 26 से अब मैं रफली बना रहा हूं थोड़ा सा, ये दूसरी बिल्डिंग लाइक दिस, गैप बराबर रखना, लेकिन माइंड द गैप, तो 26 ये था, तो 26 से थोड़ा सा कितने पॉइंट नीचे उतरना है, 3 पॉइंट, 3 छोटी लाइनें नीचे उतरना है ना, अभी आप ढंग से बनाना, मैं चेक करने आ रहा हूं, ये हो गया हमारा सेकंड बिल्डिंग का काम तमाम, ठीक है, चलें तीसरी बिल्डिंग की ओर चलें, क्या क्या करूं, चेक मैं एक साथ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके थर्ड बिल्डिंग का डेटा बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ उसकी 12.4, आर्या एंड रिधि 12.4 कैसे बनेगा, 12 से ज्यादा करीब हूं, तो 12 से ऊपर जाना है, 0.4 ऊपर जाना है, 0.4 में कितनी लाइन काउंट होगी, दो, क्योंकि एक लाइन में 0.2 काउंट होता है, तो दो लाइन में 0.4 काउंट हो जाएगा, तो 12 से दो कदम ऊपर, दो छोटे छोटे कदम ऊपर,
मैं पहुंचता हूं, आप पहुंचो पहले, जाके देखो सब सही है। 50 हो गए, 12.4। ये तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग बताओ भाई, एक बार फ्लो बैठना चाहिए फिर तो फटाफट फटाफट कर सकते हो। कितना है फिर? 4.3। 4.3 तो 4 से जस्ट ऊपर। अब 0.3 तंग करेगा क्योंकि हर एक तो 0.2 0.2 है। सुनो इधर देखो, ये 4 होगा आपके पास, ये 6 होगा आपके पास, ओके, बीचों बीच 5 होगा। अब 4.2 चाहिए, क्या चाहिए? 4.3 चाहिए। एक लाइन ऊपर जाती तो 4.2 हो जाता है, और दो लाइन ऊपर जाती 4.4 हो जाता है, आपको चाहिए 3। तो एक लाइन और दो लाइन के भी बीच में, समझ आया क्या? तो पेंसिल शार्प पर मिलेगा, मैं आपको ढूंढ के ले जाता हूँ। बेहतर सुनो, 4.3 कैसे नाम करेंगे? 4 से एक छोटी लाइन ऊपर जाएंगे तो 4.2 पे पहुंच जाए। अब अगर मैं एक और लाइन ऊपर चले जाऊँ तो 4.4 पे पहुंच जाऊँ, तो मेरे को तो 3 चाहिए ना। यस सर, जो एक छोटी लाइन ऊपर और एक उससे भी छोटी लाइन ऊपर है, उन दोनों के भी बीच में, यानी कि 4 से डेढ़ लाइन ऊपर जाना है, डेढ़ छोटी लाइन ऊपर, समझ गए? 4 से डेढ़ छोटी लाइन ऊपर। पेंसिल को पतला कर, आजकल हाँ चलो 4.3 लगभग इतना हो गए। क्या 5 बिल्डिंग, 5वीं तो बता, 5 ही तो थी, 6 है क्या? तभी तो 4 ही बनी है। अगला बताओ। अब 4.1, ये अगेन मुश्किल टास्क है। अब 4.1 कैसे बनाओगे बोलो? 4 और 4.2 के बीच में, यानी 4 से एक कदम ही ऊपर नहीं चलना, आधा ही कदम ऊपर, 4 से आधा कदम ऊपर चलो, समझ गए? वो हो जाएगा मेरा 4.1। तो जस्ट इसके करीब, कलरी खत्म हो गया नहीं सर, थोड़ा सा थोड़ी सी नीचे उससे। और लास्ट बताना, 22 एग्जैक्ट, सबसे शानदार तो ये है ना, सबसे बढ़िया एग्जैक्ट 22। प्रॉपर लाइन भी मिल रहा है, बिल्कुल अलाइंड है इससे ये। डन अच्छा, इनके बीच में गैप बराबर होना चाहिए, फिर से चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि एक के बीच में गैप 1-1 सेंटीमीटर का है, बाकियों में 2-2 सेंटीमीटर का है। इतना काम हो गया क्या? यस सर। अब चलो मैं फटाफट फटाफट क्विकली चेक कर रहा हूँ। 4.3 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
ओके अब एक बार इधर देख लो, अब कुछ इतना करने मेन काम तो यही होता है इसमें कि आपने फ्रीक्वेंसी सही मार्क करी है, ठीक है। अब इनकी छत के ऊपर इनकी फ्रीक्वेंसी लिखो, इनकी छत के ऊपर इनकी फ्रीक्वेंसी लिखो। जैसे इसकी छत के ऊपर लिख दो कितनी थी, ये 31.4 थी या 8 थी, और ये कितनी थी 25.4, ये कितनी थी 12.4, ये कितनी थी 4.3, ये कितनी थी 4.1, और वो कितनी थी एग्जैक्ट 22। ये लिख दिया,
अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अब इसकी साज सज्जा का काम है, अब इसकी साज सज्जा का काम है। नौ, ये वाई एक्सिस पे तो काम कर दिया, एक्स एक्सिस पे पर काम करेगा। अब ये जो बिल्डिंग है इसकी हेडिंग क्या है? रीजनल एक्सेल प्रॉब्लम, ये है ना। अब देखो इतने से गैप पे लिखना होता है, ये गैप है, अब इतने से गैप में प्रॉब्लम है कैसे लिखना, क्योंकि अगर मैंने आगे बढ़ गया मैं सपोज करो यहां से लिखना शुरू कर दिया तो दूसरे में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नोट मैंने जगह छुड़वाई थी आपको, नीचे तीन चार लाइनें आप उसको करते हैं ऐसे फ्लिप और ऐसे लिखना शुरू करें, कैसे ऐसे ऐसे बार ग्राम के अंदर भी लिखना ना, इसके नीचे भी डालनी है और शॉर्ट में लिख सकते हो, जैसे रीड प्रोडक्ट के पहला पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहली बिल्डिंग का हेडिंग क्या है, नहीं ऐसे आरएफसी फारएफसी नहीं लिखना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आरईपी रिप्रोडक्टिव डॉट लगा दो और फिर हेल्थ को तो पूरा ही लिखो, हेल्थ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, कंडीशंस में हम सीओएनडी कंडीशन ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, और वो भी ऐसे इस तरीके से, मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, कोशिश करता हूँ ऐसे ऐसे रिप्रोडक्टिव डॉट, हाँ ऐसे ऐसे टेढ़ा करके ऐसे, तभी तो मैंने चार लाइनें छुड़वाई थी नीचे, ठीक है समझे? यस सर। ओके, ये ऐसे, इसकी इसकी हेडिंग ऐसे, इसकी हेडिंग ऐसे, इसकी हेडिंग ऐसे। न्यूरो साइकियाट्रिक कंडीशंस को क्या लिखूंगा मैं, न्यूरो डॉट सीओएनडी कंडीशंस। इंजुरीज को पूरा लिखने में आ सकता है, कार्डियो वैस्कुलर को क्या लिखोगे, कार्डियो कंडीशंस, कार्डियो डॉट COND condition, respiratory को RESP dot conditions, other causes को पूरा का पूरा लिखना है, injuries और other causes पूरा पूरा लिखना है। अब एक और चीज ले गई अभी ये scale, scale कहाँ लिखने, scale लिखने का as such कोई जगह नहीं है, जहां बच जाए जगह, जहां अब most probably ये top right corner पे जगह बच जाती है, ना बचती है down में बचती है तो भी below में भी लगा सकते हैं या left कहीं भी लगा सकते हो anywhere, लेकिन बीचों बीच मत लगा देना, उसके बिल्कुल बीचों में चिपका के आगे ग्राफ के ऊपर, ये नहीं करना है ना, ठीक है। अब स्केल कैसे लिखते हैं, तो देखो स्केल लिखने का तरीका, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो वैसे भी हेडिंग्स डाली हैं, तो एक्स एक्सिस पे तो कोई स्केल लिया ही नहीं है, स्केल कहाँ लिया, वाई एक्सिस, कई बार एक्स एक्सिस पे लेना पड़ता है, कई बार वाई एक्सिस पे लेना पड़ता है, कई बार दोनों पे लेना पड़ता है, तो जब जितना लो सब लिखना है, तो अभी एक्स एक्सिस पे तो कुछ नहीं लिया ना हमने, केवल हेडिंग डाली, इसकी हेडिंग इसकी हेडिंग इसकी हेडिंग, तो उसमें तो कोई मैथमेटिकल स्केल तो है नहीं, तो मैं y एक्सिस के लिए लिखूंगा केवल और केवल, तो कैसे लिखूंगा, पहले तो मैं हेडिंग डालूंगा स्केल, एस सी ए एल ई स्केल, एस स्केल स्केल हेडिंग डाल दी, और उसके बाद फिर नीचे लिखूंगा ऑन y एक्सिस 1 centimeter इक्वल टू 1 centimeter, ये एक एक सेंटीमीटर है, ये एक एक सेंटीमीटर है ना गैप, आपके जो ग्राफ शीट में एक एक सेंटीमीटर का गैप आता है, तो 1 centimeter का मतलब 2% है, ये परसेंटेज है, ये क्या है, तो 1 centimeter इक्वल टू 2% स्केल का एक ब्लॉक बना के ऐसे पैक कर दो, और इन केस मान लो वाई एक्सिस पे भी कुछ स्केल होता तो मैं उसके लिए क्या लिखता, ऑन एक्स एक्सिस पे भी होता तो ऑन एक्स एक्सिस करके उसका स्केल भी लिख देता, अभी नहीं है। अब एक लास्ट चीज और रह गई, अब उन कॉलम की हेडिंग, वो कॉलम कॉलम की हेडिंग देखो क्या है, इधर कॉजेस और इधर क्या है, फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज, कैसे मार्क करोगे इस ग्राफ में, ये जो आपने ये जो चीजें लिखी हैं, मैं ग्राफ पे लेके चलता हूं आपको, देखो ये जो आपने लिखी है, देखो इधर स्क्रीन पे ये कॉजेस लिखे हैं, ये कॉजेस जहां पे खत्म हो, लास्ट ही लास्ट में एक लाइन और छोड़ना और वहां पे हॉरिजॉन्टली लिखना ऐसे कॉजेस, ये तो है कॉजेस, ये तो है कॉजेस, और ये क्या है फीमेल फर्टिलिटी रेट, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्ट वर्टिकली लिखना पड़ेगा इसको, फीमेल फर्टिलिटी फैटेलिटी फर्टिलिटी नहीं फैटेलिटी रेट, ठीक है, और इन परसेंटेज है ना क्या फैटेलिटी, हाँ ठीक है, अब स्पेलिंग इन परसेंटेज, ठीक है
हेडिंग हेडिंग स्केल, एक काम और रह गया पेंसिल को टेढ़ा करके इसको शेड करने का। मेरे को तुम ग्राफ दिखा के जाओ जिनका गलत था, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा सही था पूरा, दिखा के आओ रे। हाँ जाओ, बाकी लोग जाओ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।